ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकर्जन। रिकर्जन इन सीसी के अंदर रिकर्जन क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और हमें रिकर्जन क्यों यूज करनी चाहिए और रिकर्जन को यूज करने का बेनिफिट क्या है और कब हमें रिकर्जन यूज करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम रिकर्जन के बारे में फुल डीप एंड डाइव देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के, लेट्स गो। रिकर्जन इन सी, व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन इन सी। सी के अंदर रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रिकर्जन होता क्या है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। रिकर्जन और रिकर्सिव फंक्शन एक ही चीज होती है। रिकर्सिव फंक्शन एक फंक्शन होता है, जैसे नॉर्मल फंक्शन हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं वही फंक्शन होते हैं। अब हम देख लेते हैं रिकर्सिव फंक्शन और उन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट है हमारा, रिकर्सिव फंक्शन और रिकर्सिव इज प्रोसेस व्हेन अ फंक्शन कॉल अ कॉपी ऑफ इट्सेल्फ टू वर्क ऑन अ स्मॉलर प्रॉब्लम। ए फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन और रिकर्सिव प्रोसेस उसे कहा जाता है जब कोई फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करे। किस चीज के लिए, कोई भी काम उसको दिया जाता है वो उस काम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करने के लिए। कोई भी ऐसा फंक्शन जो किसी भी काम को करने के लिए खुद को कॉल करता है उसको हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिकर्सिव फंक्शन। हमारा थर्ड पॉइंट है, दिस मेक्स द लाइफ ऑफ प्रोग्रामर इजी बाय डिवाइडिंग अ गिवन प्रॉब्लम इनटू इजियर प्रॉब्लम। ये प्रोग्रामर की लाइफ को इजी बनाता है, जो कि कोई भी हमारी बड़ी प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर देता है इजी टू इजी वेज में। हमारा फोर्थ पॉइंट है, अ टर्मिनेशन कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन सच फंक्शन टू स्टॉप व्हेन एग्जीक्यूशन कॉपीड ऑफ देमसेल्फ फॉरएवर। अब जैसे हम कोई फंक्शन चलाते हैं, हम बोलते हैं उसको ये काम इतना बड़ा है इसको छोटा करते चले जाओ, इसको मतलब हमने बोला ही नहीं कि तुम्हें कब तक इसको छोटा करना है, ये तो माइनस में चला जाएगा और ये चलता ही रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, टर्मिनेशन कंडीशन इम्पोज करते हैं। जब भी जैसे कोई काम हमने बोला आपको ये करना है, जैसे मैंने यहाँ से 10 से बोला 10 हो जाए तो चलाना, मैंने बोला 1 पे आ गया प्रोग्राम तो 9 हुआ यहाँ पे, फिर 8 7 6 5 फिर इस तरह 4 3 2 1। अब यहाँ पे हमारा 1 हो गया, जैसे मैं यहाँ पर भी ये बना देता हूँ, अब हम 1 तक आ गए। अब लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई टर्मिनेशन कंडीशन ना लाई हो तो ये किस में चला जाता, 0 -1 -2 -3। अब मैंने बोल दिया आपको जाना है बस 0 तक, 0 पे जाने के बाद इसकी टर्मिनेशन कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा रखी है तो ये टर्मिनेशन कंडीशन पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 तक ही चलेगा और यहाँ इसके बाद फिर बैक होना शुरू हो जाएगा। जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम को टर्मिनेशन कंडीशन देते हैं तो उसका मतलब होता है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, इतना ही उसका काम है। अदरवाइज अगर हम टर्मिनेशन कंडीशन नहीं देते हैं तो ये आगे माइनस में जाता जाएगा, इसीलिए हमें टर्मिनेशन कंडीशन देना मैंडेटरी है। हमारा अगला पॉइंट है, एनी प्रॉब्लम दैट कैन सॉल्व रिकर्सिवली कैन आल्सो बी सॉल्व आइटरेटिवली। आइटरेटिवली मतलब रिकर्सिवली, रिकर्सिव हम देखेंगे इस वीडियो में, आइटरेटिव मतलब होता है जो प्रॉब्लम रिकर्सिव से हो सकती है, रिकर्सिव अप्रोच से हो सकती है, वो प्रॉब्लम आइटरेटिव अप्रोच से भी हो सकती है। बस जैसे आपको जो प्रॉब्लम हम रिकर्सिवली करेंगे उसको हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना, उसको हम फॉर लूप व्हाइल लूप की मदद से आइटरेटिवली कर सकते हैं, आइटरेटिवली भी कर सकते हैं। द मीन्स ऑफ वेस्ट कंडीशन इज हियर, वी वुड कोड दैट कंडीशन ब्रेक स्टॉप और रिकर्सिव फंक्शन फॉर रिकर्सिव फंक्शन। ये अभी जो मैंने आपको बात बताई थी, जो हम वेस्ट कंडीशन देते हैं उसका मतलब होता है जो भी हमारी चीज चल रही है वहां से उसको ब्रेक कर देना या फिर स्टॉप कर देना, वहां के बाद वो जाएगी नहीं, इसका मतलब ये होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा व्हाई रिकर्सन इन सी, सी के अंदर रिकर्सन क्यों है जरूरी, मतलब क्यों करने चाहिए, एक थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं। व्हाई रिकर्सन, एनी प्रॉब्लम दैट कैन सॉल्व रिकर्सिवली कैन आल्सो बी सॉल्व आइटरेटिवली। ये पॉइंट हमने पिछले स्लाइड पर देखा था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, सम प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सुटेबल टू बी सॉल्व्ड यूजिंग रिकर्सन। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें आइटरेटिवली ना करके यानी फॉर लूप से ना करके अगर हम उसको रिकर्सन के थ्रू करते हैं तो वो हमें बेस्ट अप्रोच देती है, हमारा कम से कम टाइम लगता है, मेमोरी कंजप्शन कम से कम होता है, तो हमें वो किससे करनी चाहिए, रिकर्सिवली अप्रोच से करनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल जो कुछ एग्जांपल है टावर ऑफ हैनोई, अगर हम टावर ऑफ हैनोई को कैलकुलेट करते हैं वही हम उसको आइटरेटिवली करेंगे ना तो ये हमारे लिए बेस्ट अप्रोच नहीं होगी, इसमें टाइम हमें ज्यादा लग जाएगा। और एक और होती है हमारी फिबोनाची की सीरीज, इसको भी हम प्रिंट करके देखेंगे, ये भी अगर हम आइटरेटिवली करते हैं तो ये हमारा बेस्ट अप्रोच नहीं होगा, अगर हम इसको रिकर्सिवली करते हैं तो हमें कम से कम टाइम लगेगा और इजी टू हो जाएगा हमें, यहाँ हम इसको अगर आइटरेटिवली करते तो हमें लगता कम से कम 8 से 10 लाइन का कोड और वहीं हमें रिकर्सिवली लगेगा 2 से 3 लाइन का कोड, तो इसीलिए हमें इसको रिकर्सिवली सॉल्व करना बेस्ट रहता है। अब हमारा एक फैक्टोरियल फाइंडिंग, जब भी हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं वहीं अगर हम आइटरेटिवली उसको करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और हमें उसको लाइन ऑफ कोड भी हमारा बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इसको रिकर्सिवली करते हैं। रिकर्सिवली करने से हमें समझ में जल्दी आ जाता है ये,
और हमारा कोड भी बच जाता है और हमारा टाइम भी कम लगता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है इसका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल निकालना सीखेंगे हम इस अपने रिकर्सिव फंक्शन को बनाकर। हम मेरा पहला एग्जांपल है फैक्टोरियल कैलकुलेशन। फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, यूजिंग रिकर्सन। पहला पॉइंट है हमारा द केस एट विच द फंक्शन डज नॉट रिकर्स इज कॉल्ड द बेस केस। बेस केस मतलब ये है जैसे हमने कोई भी रिकर्सिव फंक्शन खुद को कॉल करा, ये आया फिर खुद को कॉल किया, इसने फिर खुद को कॉल किया, फिर खुद को कॉल किया। जो हम बेस कंडीशन देते हैं वो हमारे फंक्शन को जो भी अब ये खुद को कॉल कर रहा है ना बार बार यहाँ पे बेस कंडीशन का मतलब था इसको रोक देना, अब आपको इससे आगे कॉल नहीं करना है, इसी को हम बेस कंडीशन बोलते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है द इंस्टेंस वेयर द फंक्शन कीप कॉलिंग इटसेल्फ टू परफॉर्म अ सब टास्क इज कॉल्ड द रिकर्सिव केस। ये भी हम समझ चुके हैं पर दोबारा समझ लेते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन शुरू हुआ कीप कॉलिंग खुद को कॉल कर रहा है इसको ही रिकर्सिव केस बोलते हैं, इसको रिकर्सिव केस बोला जाता है। जैसे हमने कोई बेस कंडीशन हिट हुई तो वो हमारा टर्मिनेशन हो जाता है, हम फिर उसको बैक करना शुरू कर देते हैं, जहां से कॉल हुआ था वहीं बैक होता है, हमने फंक्शन वाले वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है फॉर फैक्टोरियल कैलकुलेशन द बेस कंडीशन अकर्स एट द पैरामीटर वैल्यू ऑफ 0 एंड 1। अब जैसे हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल को, जब भी हम जैसे हमारा 0 को फैक्टोरियल क्या होता है 1 और 1 का भी फैक्टोरियल क्या होता है इसका भी 1 होता है, तो हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, जब भी हमारी बेस कंडीशन हो हिट या तो 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए आपको क्या रिटर्न करना है, दोनों केस में 1 रिटर्न करना है। तो हमारी बेस कंडीशन क्या होगी 0 और 1 हो गई, तो हम बेस कंडीशन में क्या रखेंगे 0 और 1। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल में समझा रखा, जैसे लेट सपोज हम 5 का फैक्टोरियल चाहते हैं, तो मैंने एक फैक्टोरियल नाम से फंक्शन बनाया उसमें क्या पास कर दिया 5। अब ये 5 क्या बोलेगा, 5 बोलेगा खुद को ही कॉल करेगा कि आप दोबारा कॉल हो जाओ मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड करके, तो मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड करके, तो 4 बोलेगा खुद को कॉल करेगा मुझे 3 का दे दो तुम, मैं 4 का निकाल लूंगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करके। अब ये फिर 3 कॉल करेगा तुम मुझे 2 का दे दो आगे का मैं निकाल लूंगा, फिर ये 2 कॉल करेगा अपनी छोटी प्रॉब्लम को, तो ये बोलेगा मुझे 1 का निकाल के दे दो मैं 2 का उसमें कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अब जैसे 1 रिटर्न करेगा, 1 का क्या फैक्टोरियल होता है 1 का होता है 1, तो यहां से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहां से रिटर्न हो जाएगा 1। अब यहां पे 1 आ गया, 1 आने के बाद यहां पे 1 आया 1 2 जा यहां पे हो गया 2। अब यहां पे इसने बोला था तुम मुझे 1 का दे दो तो मैं उसमें खुद को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो 1 इसने 1 रिटर्न कर दिया, इसने खुद का मल्टीप्लाई कर लिया 1 2 जा 2। अब इसने बोला था इसने जब 3 ने इसको कॉल किया था तुम मुझे 2 का दे दो मैं उसमें खुद का मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा, तो यहां से हुआ यहां से गया कितना 2 लेगा 2 3 जा अब यहां पे क्या होगा 6। इसने कॉल किया था इसको तो ये फंक्शन यहां से कॉल हुआ तो वहीं जाएगा, तो अब यहां से गया ये 6 को लेगा 6 4 जा 24। अब ये 24 हो गया, 4 कहां से कॉल हुआ था 5 के पास से, तो 24 गया 5 के पास, 24 जा 5 के पास गया तो उसने क्या कर लिया 24 5 जा 120। यहां पे क्या हो गया फैक्टोरियल ऑफ 5, 5 का फैक्टोरियल हो गया हमारा 120। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो होगी बात हमारी समझने की, अब हम समझ के अब हम देखते हैं इसको कोड के अंदर चल के कोड के अंदर किस तरीके से इसको कोड करेंगे, किस तरीके से कंपाइल होगा इसको हम कोड आईडी के अंदर चल के देखते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स कोड आईडी के अंदर, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूं अपने कोड आईडी के अंदर और मैं यहां पे एक नई फाइल बना लेता हूं रिकर्सन के नाम से, recursion.c के नाम से बना था क्योंकि हम और भी एग्जांपल करेंगे तो 1 2 3 ऐसे करके करते रहेंगे। मैंने यहां पे एक फाइल बनाई और मैंने यहां पे एक स्निपेट लगा हैज इंक्लूड studio.h int main। मैंने यहां से अपना मेन फंक्शन चलाया और मैंने यहां पे रिटर्न 0 कर दिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से कोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन बना लेते हैं हम अपना। मैंने फंक्शन बनाया, हमारा ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, कैलकुलेट करेगा, उसके बाद जो भी कैलकुलेट होगा उसको ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ मैं फैक्टोरियल के नाम से factorial, फैक्टोरियल नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, ये कुछ लेगा भी, इसका मतलब जैसे हम चाहते हैं 5 का निकालें, हम यूजर से पूछेंगे आपको किसका फैक्टोरियल निकलवाना है तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे बना लेते हैं। मैंने बोला एक एन नंबर मैंने यहाँ पास कर दिया, ये कुछ लेगा। मैंने एक फंक्शन बना लिया, मैंने फंक्शन वाले वीडियोस में सिखाया था 3 चीज़ होती है फंक्शन बनाने के लिए। सबसे पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। और मैंने आपको बताया था यदि आप फंक्शन की डेफिनेशन को नीचे लिखते हैं तो आपको ऊपर क्या देना होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। यदि आप फंक्शन की डेफिनेशन को ऊपर ही लिख देते हैं तो आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। तो मैं फंक्शन को ऊपर ही बना लेता हूँ, मुझे डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास कर दी। अब मैं बनाता हूँ फंक्शन के लिए, मैंने बोला इफ, हमने बेस कंडीशन क्या देखी थी, जब भी n जो है ना n के अंदर क्या हो जाए, n किसके बराबर हो जाए, या तो 0 के बराबर हो जाए, और हमने ये पढ़ा था ये और का साइन होता है, और जो n है ना वो बराबर हो जाए किसके 1 के, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हिट हो जाए तो आपको क्या करना है रिटर्न कर देना है 1। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो else ब्लॉक में आना है, else में आने के बाद आपको क्या करना है रिटर्न करना है आपको n मल्टीप्लाई और खुद को कॉल करेगा ये फैक्टोरियल नंबर माइनस 1।
इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मेरी कुछ गलती हो रही है, फैक्टोरियल नंबर की जगह पे हमारा एन है, हमने एन माइनस वन पास कर दिया, हमारा ये फंक्शन हो गया रेडी। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको, पहले हम यहाँ पे पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। अब जैसे मुझे चाहिए यूज़र से वैल्यू चाहिए, मैं जो यूज़र डाले उसका फैक्टोरियल देना चाहता हूँ, तो मैंने एक ये नाम से वेरिएबल बनाया, मैंने बोला प्रिंट कर दो यूज़र को, मैसेज भी तो देखना चाहिए, एंटर अ नंबर। यार हमने यहाँ से एक यूज़र से नंबर डलवाया, इसके नए फंक्शन को चलाते हैं हम, परसेंट डी लगाएंगे यहाँ पे, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी हमें और एड्रेस पास कर देंगे हम ए का। अब ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ए के अंदर वैल्यू आने के बाद हम एक बना लेते हैं फैक्ट, फैक्ट नाम से हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम फंक्शन को कॉल कराते हैं, फंक्शन को कॉल कराएंगे, फैक्टोरियल फंक्शन को हमने कॉल कराया यहाँ से। अब फैक्टोरियल फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट लेता तो हमें उसके अंदर पास करना पड़ेगा, हमने जो भी यूज़र से लिया हमने क्या लिया ए, तो हमने ए को पास कर दिया, हमारा हो गया फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा ना, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटर दे रखा है और हम रिटर्न भी करवा रहे हैं, तो हम जो रिटर्न करेगा उसको किसके अंदर रखवा रहे हैं, फैक्ट के अंदर। इसको हम प्रिंट भी करा लेते हैं कि फैक्टोरियल हमारा आया क्या, प्रिंट है बोला हमने द फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज, पहले परसेंट की जगह क्या आएगा ए और दूसरे परसेंट की जगह आएगा फैक्ट, और यहाँ से हमारा ये हो गया, हमारा पूरा प्रोग्राम रेडी हो चुका। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, यहाँ से रन करते हैं प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। ये क्या पूछ रहा, हमने ये वाली लाइन यहाँ पे लिख रखी है एंटर अ नंबर हियर, हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, हम 2 का फैक्टोरियल निकालते हैं, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 का फैक्टोरियल लेट सपोज हमने यहाँ कमेंट लगाया, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 और इंटू 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 1, कितना आया यहाँ पे 2 इंटू 1 2 आ गया, आंसर क्या आना चाहिए हमारा 2, तो हम यहाँ पे 2 डाला, एंटर हिट के क्या आया हमारा द फैक्टोरियल ऑफ 2 इज 2। क्यों नहीं आया यहाँ पे आंसर, इसीलिए नहीं आया आंसर, हमने पहला परसेंट डी लगाया तो इसका हमें एक ही वैल्यू मिल गई। अब फैक्ट कहाँ प्रिंट होगा, ये भी तो हमें प्रिंट कराना, तो हमें परसेंट डी लगाना पड़ेगा। अब इसको अगेन रन कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर 2 डाला, एंटर किया, कितना आया द फैक्टोरियल ऑफ 2 इज 2, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2। अब मैं यहाँ 3 का फैक्टोरियल निकालता हूँ, तो 3 का फैक्टोरियल के आंसर में 3 बोलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू जा 6, 6 वन जा 6, कितना आएगा हमारा आंसर 6। अब हम इसको 3 के लिए रन कर लेते हैं, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा हमारा 3 आला, यहाँ पे एंटर किया, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6 हो गया हमारा। अब वहीं हम 0 का निकालते तो 0 का क्या होगा, 0 का 1 होता है, तो हम यहाँ पे इसको दोबारा रन कर लेते हैं एक बार, 0 का फैक्टोरियल क्या हो गया 1, द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। अब हम एक बार इसको रन करते हैं, 1 के लिए रन करते हैं, 1 द फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, मैंने बताया था 0 का भी 1 होता है और 1 का भी 1 ही होता है। अब 3 का हो गया होता हमारा, अब हम करते हैं एक बार 4 के लिए रन, 4 का क्या हो गया 24, तो 4 का कैसे हुआ यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 बन जा 24, तो आंसर कितना आया 4 का 24। इस तरीके से हमारा रन हो गया। अब हम एक बार 5 के लिए करते हैं, हमने 5 के लिए रन किया, 5 का कितना हो गया यहाँ पे, हमें पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20 का मल्टीप्लाई कर लो, या इधर से मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही होगी, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 बन जा 120, कितना आना चाहिए इसका आंसर 120। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, कितना आया द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारा फैक्टोरियल काम करता है, और आने वाली वीडियोस में हम फैक्टोरियल के और भी एग्जांपल देखने वाले हैं, जैसे फिबोनाची की सीरीज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, टावर ऑफ हनोई किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और वन से लेके नंबर नेचुरल नंबर किस तरीके से प्रिंट करते हैं, होल नंबर किस तरीके से प्रिंट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं, यहां पे आज का होमवर्क है टुडेज होमवर्क, पहला क्वेश्चन है हमारा राइट अ प्रोग्राम to calculate natural number till the n numbers using recursion, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन है write a program to प्रिंट, यहाँ पर कैलकुलेट नहीं आएगा, प्रिंट आएगा, प्रिंट फर्स्ट 10 इवन
नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्जन। ये आपके दो क्वेश्चन है आज के, आपको ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं। मैं सबके कमेंट्स चेक करूंगा और आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, जिसके भी क्वेश्चंस राइट होंगे और जो कमेंट में पोस्ट करेगा, सबको एक एक हट दूंगा। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, रिकर्जन के बारे में इतना ही होता है और रिकर्जन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियोज में देखने वाले हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था फिबोनाची ऑफ सीरीज किस तरीके से प्रिंट करते हैं और टावर ऑफ एनोई के एग्जांपल्स क्या होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी ये हमारा रिकर्जन टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा काम आता है जब भी हम डीएसए वगैरह की तैयारी करते हैं। एकदम रिकर्जन तो मैंडेटरी है, बहुत अच्छे से आना चाहिए हमें। रिकर्जन के थ्रू फंक्शन बनते हैं जब भी हम डीएसए करते हैं, डीएसए डेटा स्ट्रक्चर वगैरह करते हैं, जो भी हम एरे डेटा स्ट्रक्चर ट्रैवर्स करने के लिए हमें रिकर्सिव फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये रिकर्जन टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डीपली पढ़ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं और आपस में आप सभी लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।